संदीप गुप्ता जी और संदीप के परिवार से मेरा बहुत ही निकट का घनिष्ठ संबंध था। मुझे याद है कि मैं कभी कुछ आदेश करता था, संदीप नहीं टालते थे और उनकी बात को मैं भी नहीं टालता था। यद्यपि आप सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत मजबूत हृदय का व्यक्ति हूँ, हिमालय से भी टकराने की ताकत रखता हूँ, लेकिन संदीप की जिस तरह से मृत्यु हुई मुझे बेहद पीड़ा हुई। और आज इनके यहाँ शांत पाठ का कार्यक्रम था और आज ही मोदी जी की रैली थी लखनऊ में, मैंने उनके भाई को फ़ोन करके कहा कि अगर रैली कैंसिल हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा। संयोग से रैली कैंसिल हुई, मैं आज दिल्ली से केवल और केवल स्वर्गीय संदीप गुप्ता को अपने श्रद्धा के सम्मत अर्पित करने, उनके परिवार को सांत्वना प्रदान करने के लिए, भगवान चरणों में स्थान दे, इतने मात्र उद्देश्य के लिए मेरा आज यहाँ आना हुआ। लगभग एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तत्काल केस को खोल लिया गया था, 24 घंटे भी नहीं लगे थे। सरकार की नीति नियति पर आप लोगों को प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए, चूँकि वो मेरा भी पुत्रवत था, मैं भी डीजी, एडीजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री सबके संपर्क में हूँ और जो भी दोषी हैं उन्हें किसी कीमत पर क्षमा नहीं किया जा सकता, वो दंडित किए जाएंगे और ईश्वर की अदालत तो सबसे बड़ी होती है।